गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। वाटर रिटेंशन, बॉडी में पानी का स्टोरेज होना, या फिर आपकी पूरी बॉडी स्वेलिंग होना, या फिर आप प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे हैं विदाउट ईटिंग एनी जंक फूड, विदाउट ईटिंग एनी बाहर का खाना या फिर अनहेल्दी फूड, स्टिल आपका बॉडी जो है वाटर को रिटेन कर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और नेक्स्ट डे इफ़ यू चेक योर वेट वो एकदम से 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो या फिर 1.5 किलो तक बड़ा हुआ आता है। इसका रिजल्ट होता है डीमोटिवेशन, डिसहार्टन, या फिर यू फील लाइक कि यार इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने के बाद कैसे, क्या, किस तरीके से बैलेंस होगा। मेरे साथ वाटर रिटेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हुए, या फिर मुझे फ़्लाइट में लंबे समय तक बैठना पड़े, नींद पूरी ना हो, या फिर मैंने सॉल्ट का इंटेक डिनर में नहीं करती बहुत लंबे समय से, या कभी कभी मैं कर लेती हूँ बहुत ही रेयरली, या अचानक से मेरा डिनर का जो मैं ले रही हूँ उसमें सॉल्ट का इंटेक मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, या फिर ऐसी सिचुएशन में मेरे को वाटर रिटेंशन होता है कि नींद बिल्कुल भी नहीं लेना, पागलों की तरह काम करना। रिसेंटली मैं अपने वर्क की वजह से दुबई ट्रैवल कर रही थी, आपने मुझे देखा होगा इंस्टाग्राम पे एंड बहुत सारी जगहों पे। सो पॉइंट इज कि मेरे बॉडी में जब वहाँ तक तो मैं सब कुछ ठीक था, बैलेंस था, मैंने फ्लैट बेली पे रील भी बनाया था, बट जब मेरा फ्लाइट था वो था रात के 10 बजे का, लेकिन मैं 7 बजे एयरपोर्ट पे पहुंची क्योंकि मेरे कुछ कॉल्स थे, मैंने वहाँ पे तसल्ली से बैठ के काम किया। रात के 10 बजे की फ़्लाइट शिफ्ट हुई 12:30-1 बजे की और मैं सुबह पहुंची, मैंने एयरपोर्ट से एग्ज़िट करा इंडिया में 6 बजे के आसपास कुछ समथिंग, पूरा सारा फॉर्मेलिटीज़ निपटा के, और फिर इंडिपेंडेंस डे था और मैं सिर्फ आधा घंटा सिर्फ मैंने आँखें बंद करी होगी घर में, और फैमिली प्रेशर एंड एवरीथिंग, सो सेलिब्रेशन के लिए मुझे वापस गुड़गांव जाना पड़ा ट्रैवल करके अपनी मदर के पास। नेक्स्ट डे जब मैंने अपना वेट चेक करा वो ऑलमोस्ट 3 kg अप था। सो इट्स अ वाटर रिटेंशन, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने अनहेल्दी नहीं खाया, ना ही मैंने कुछ गड़बड़ करी। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं है कि ओ माय गॉड हमने इतना अच्छे से डाइट करा, सब कुछ बैलेंस करा और हम बलून की तरह फूल गए हैं विद इन अ डे, सो ऐसी डाइट करने का फ़ायदा क्या हुआ। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, आपने अपनी बॉडी को फुल्ली तोड़ दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है, रेस्ट नहीं दिया और उसको पागलों की तरह भगाया है, सो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपकी फैक्ट्री के मजदूर हैं, वो आपसे नाराज़ हो गए हैं, इसलिए उन्होंने वाटर को रिटेन कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन पे बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे है कि विद इन अ डे आपकी बॉडी और विद इन अ 2 डेज आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल रूटीन में आ जाए। नंबर 1, आप 0 salt पे जाएंगे। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा सोएंगे। नंबर 3, आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगे। एंड नंबर 4, कंफर्ट्स क्लोथ्स में, बिल्कुल भी टाइट कपड़े मत पहनना, कंफर्ट क्लोथ्स में आप अपने आप को बेड पे एकदम छोड़ दो, चाहे आप थोड़ा बहुत काम कर लो, कॉल्स ले लो, बट बेड पे छोड़ दो। नेक्स्ट एंड दी इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आप 0 salt कर रहे हो बट मेक श्योर आपकी डाइट में प्रोटीन्स जाए, कार्ब्स को बहुत ही नाम मात्र करके प्रोटीन्स का इंटेक हम करेंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी, पानी आपको पूरे दिन सिप सिप करके पीना है, जूसेस पीने हैं। मेरे को वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है डिटॉक्स वाटर, कुछ पील्स के डिटॉक्स वाटर, फ्रूट के पील्स के डिटॉक्स वाटर, जिसकी हेल्प से मेरा वाटर रिटेंशन जो है वो कंट्रोल में आता है। जब इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे मेरा जो फेस था वो इतना बड़ा बलून बन गया था और मैं खुद डर गई थी, तभी मैंने कल वीडियो नहीं डाला, बट आज आई एम बैक टू नॉर्मल, टचवुड, मैंने वो डिटॉक्स वाटर पिया और मैंने ये कुछ स्टेप्स जो आपको बताए हैं उसको फॉलो करा है। इसकी हेल्प से मेरा जो पूरा शेप है, जो मैं हूँ, वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो इसमें डरने का कोई मुद्दा नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल है जो कि वापस आने में 2 दिन लेता है। अब ये डिटॉक्स वाटर कौन सा है जिसने मुझे इतना हेल्प करा, उसकी जो रेसिपी है हम बनाते हैं किचन में, लेट्स गो। ओके जी, सो यहाँ ये रहा डिटॉक्स वाटर मेरा बनाने के लिए तैयार। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया, इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मेरा हरा धनिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है पुदीने के पत्ते, बहुत ही टेस्टी डिटॉक्स वाटर बनेगा ये, 10 से 15 पुदीने के पत्ते। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मेरे पास है यहाँ पर अनार का पील, मैं अनार के पील को बहुत फ़ायदेमंद समझती हूँ, इसके लिए मैंने टी भी बनाई थी एक, एंड इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो डालूंगी, और इसकी टी जो है वो भी बहुत अच्छा काम करती है और डिटॉक्स वाटर में भी इसका जो काम है वो बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ अनार का पील, मैं हाफ अनार का पील डाल रही हूँ यहाँ पर। ओके, ओके जी, सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है लेमन,
एक पूरा नींबू का जूस, अच्छे से इसको मिक्स करा। इसका बनाने का बेस्ट टाइम है सुबह 9 बजे, हम इसको बनाएंगे, 12 बजे तक इसको सोक करेंगे और इसको हम स्ट्रेन करके पीना चालू करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। और ऐसी सिचुएशन में जो वाटर रिटेंशन का सिचुएशन है उसमें आपको नॉर्मल पानी पीना है, कम से कम 3.5 लीटर। सो यस, इसको स्ट्रेन करके ही हम लेंगे। तब तक इस वाटर को चाहे आप फ्रिज में लगा दो अगर आपको बहुत गर्मी है आपके एरिया में, और अगर नहीं है तो आप जस्ट बाहर रख के सोक कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइज। सो ये जो डिटॉक्स वाटर है इसके बेनिफिट्स क्या है? नंबर वन, आपको बहुत ही एक्सेस ऑफ यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको अगर यूरिन आ रहा है मेक श्योर आप उसको होल्ड ना करो। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तब हमारा आदत होता है कि बहुत लंबे समय तक हमें यूरिन होल्ड करना पड़ता है, बट जब आप घर पे हैं देन मेक श्योर आपका यूरिन जो है वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं होना चाहिए, ना मात्र। नेक्स्ट, आपकी बॉडी को ना प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तब आपकी बॉडी और ज़्यादा फूलेगी और ज़्यादा फूलती चली जाएगी। यहाँ पे मैं लास्ट चीज़ आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगी, मेक श्योर आप अपनी बॉडी में जब भी डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को, जब भी आप वाटर रिटेंशन पे बात करें, सॉल्ट का इंटेक जो है वो नाम मात्र करें। सॉल्ट का इंटेक जो है वो नाम मात्र होना चाहिए और सबसे कम रखना चाहिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप जो लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, जो लोग डर जाते हैं, वेइंग स्केल पे नहीं चढ़ते हैं ट्रैवल के 10 दिन तक, ऐसा मत करो। अपनी बॉडी को 2 दिन दो और आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल आएगी। So yeah, that's all about this video. I hope this video is useful for you. And give it a thumbs up and make sure आप अपनी जो भी lifestyle है उसको इस हिसाब से चलाएं कि आपकी body जो है वो अगर झटका खाती है तो उसको pamper करके back to normal range में लेकर आओ। So yeah, that's it. I'll see you soon in my next upcoming video, guys. So take care जी, bye bye.